फ्रेंड्स, अब ये टिकट निकालिए। वैसे हम दो लोग हैं तो दो टिकट और एक फोन का टिकट, एक फोन का सेपरेट निकालना पड़ता है। अगर आप फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो ये उसके लिए सेपरेट टिकट है, 50 रुपीज। एंड ये दो अडल्ट के लिए टिकट रही है। तो वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। आज हम आ चुके हैं एक नई प्लेस एक्सप्लोर करने, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट म्यूजियम, द सालार जंग म्यूजियम। आप देख सकते हो हमारे पीछे है सालार जंग म्यूजियम। तो अभी हम एंट्री करते हैं और आपको सालार जंग म्यूजियम की सैर कराते हैं। तो आओ। एरिया में खड़े हैं और यहाँ पर ये जो फोटो है, ये सालार जंग थर्ड का फोटो है और ये 1889 में बनवाया गया था। तो सालार जंग थर्ड जो है, इनका ये ओरिजिनल फोटो है और इन्हीं के नाम से इस म्यूजियम का नाम दिया गया है, सालार जंग म्यूजियम, जो कि हैदराबाद में है। तो गाइस, यहाँ पर एक QR कोड दिया है, तो इस QR कोड को जब हम स्कैन करेंगे तो जो इन्फॉर्मेशन है इस पूरे क्लोथ्स की, वो ऑडियो गाइड के रूप में आपको मिल जाएगी। यू कैन हियर दैट बाय स्कैनिंग दिस QR कोड। तो चलिए आगे, अभी देखते हैं और क्या क्या।
ये जो आप अभी सामने देख रहे हैं ये बनारसी साड़ी है जो 19th सेंचुरी में बनाई गई। और यहाँ पे जो है हुक्का पीते थे वो हुक्का के सारे मटेरियल आते हैं जो पॉट्स होते हैं। मेनू दिया हुआ है यहाँ पे भी एक फूड कोर्ट अवेलेबल है तो यहाँ पे आप आके कुछ आपको भूख लगती है तो कुछ खा भी सकते हो। ये सालार जंग म्यूजियम के अंदर ही दिया हुआ है फूड कोर्ट। ये जो है अभी आप देख रहे हैं ये पूरा एलिफेंट के जो दांत थे टीथ थे उसको मीन्स ताश के बनाए गए हैं एकदम। तो ये जो तलवार है छोटे छोटे नाइफ्स हैं ये पूरे हाथी के दांत का बनाया है। तो वन बाय वन आपको अभी दिखाते हैं। तो गाइस यही है वो वेल्ड रेप्लिका का स्कल्पचर जो ऑल ओवर वर्ल्ड में इसकी सिर्फ 5 पीसेस थे। और सालार जंग वन जब अपने इटली के दौरे पर गए थे तब उनको यह जो स्कल्पचर था वो बहुत ही पसंद आया और वो इसको खरीद के यहाँ पे लेके आए सालार जंग म्यूजियम में। तो ये जो स्कल्पचर है ये 1876 में जी बी बेंजोनी ने बनाया हुआ था। और ये जो यहाँ पे सालार जंग म्यूजियम में लाया गया है ये सालार जंग वन के द्वारा लाया गया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि
ये जो वेल्ड है, उस रेबेका का जो वेल्ड है वो कितना ब्यूटीफुल तरीके से, एकदम माइन्यूट जो डिटेलिंग है बहुत सुंदर तरीके से बनाई गई है। और ये जो स्कल्पचर है ये चीनी मिट्टी का बना हुआ है। गाइस, ये बहुत ही स्पेशल चीज़ है। इसे एक्चुअली ये मुगल स्कूल का 17th century में बनाया गया था और इसको कोट ऑफ मेल कहते हैं, इसको चिलखत बोलते हैं। तो जब कभी भी युद्ध होते थे तो वो ये वेयर करते थे राजा। और ये बहुत ही मस्त है, ये सब इनको हाथ में पहनने वाले, ये बॉडी पे पहना जाता है, वो हेलमेट था। ये सब यहाँ पे जो धनुष और बाण थे जो यूज किए गए थे वो यहाँ रखे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो तलवार है, स्वॉर्ड है, ये औरंगजेब की तलवार है। तो इसको 17th century में बनाया गया था। कितनी लंबी तलवार थी औरंगजेब की। और डिफरेंट दूसरे भी स्वॉर्ड तलवार रखे हैं यहाँ पे। बहुत ही नाइस कलेक्शन। और एक खासियत सालार जंग परिवार की थी कि इतनी बेहतरीन चीज़ें उनके पास थी, फिर भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि इतनी बेशकीमती चीज़ें हम गवर्नमेंट को कैसे दे दें भेंट स्वरूप में, है ना। हमारे पास थोड़ी सी भी चीज़ होती तो हम देते किसी को, नहीं ये मेरा है करते है। तो वो पता चलता है कि सालार जंग परिवार जो था वो कितना दिलदार था, कि बड़े दिल के थे। तभी तो वो शाही परिवार से थे ना, नहीं तो छोटे दिल के थोड़ी रहते। तो एक्चुअली 1951 में जो जवाहरलाल नेहरू तब प्राइम मिनिस्टर थे, तो जो सालार जंग परिवार था, सालार जंग फैमिली थी जिसका ये म्यूजियम है, तो उन्होंने उनको मीन्स सौंप दिया था ये जो म्यूजियम है और गवर्नमेंट के हवाले कर दिया, देश को समर्पित, और तभी से पब्लिक के लिए ओपन हो गया। तो फ्रेंड्स, इट इज़ ऑलमोस्ट 5 क्योंकि 5 बजे ये सालार जंग म्यूजियम बंद हो जाता है, इसीलिए हम थोड़ा हरी में ऊपर का फ्लोर है कवर कर रहे हैं।
स्टैचू आप देख रहे हैं, बहुत ही ऑसम स्टैचू है। फ्रंट से आप इस स्टैचू को देखोगे तो आपको एक मेल नज़र आएगा, और जो सेकंड साइड आप मिरर में देख सकोगे वो मिरर में एक लेडी का आप फॉर्म देख सकते हो, रूप देख सकते हो। मतलब इस स्टैचू के बैक साइड में लेडी को जो है वो कार्विंग किया है, और फ्रंट साइड में एक मैन को कार्व किया है। और ये म्यूजियम का सबसे बेहतरीन मास्टरपीस है। गाइस, इस सालार जंग म्यूजियम में एक बहुत ही स्पेशल थिंग रखी गई है, और ये है क्लॉक। ये क्लॉक बहुत ही स्पेशल है। ये एक्चुअली इंग्लैंड से लाई गई थी और फिर कलकत्ता में इसको असेंबल किया, और इस क्लॉक को 350 पार्ट्स है। सो गाइस, इट इज़ ऑलमोस्ट मीन जस्ट 3 to 4 minutes बाकी है 4 बजने को, और जैसे ही 4 बजेंगे वो जो छोटा सा डोर है उसमें से एक टॉय निकलेगा बाहर ऑटोमेटिकली, क्योंकि इस क्लॉक को इस तरह डिज़ाइन किया है कि वो बाहर निकलेगा और करेक्ट 4 बज बेल को रिंग करेगा। तो लेट्स सी इन 2 मिनट्स। सो गाइस, अभी जस्ट 2 to 3 मिनट्स बाकी है, और वो जो आपको डोर दिख रहा है, क्योंकि हमने कैमरा को जूम किया है, क्योंकि अगर दूर से शूट किया जाए तो वो डोर प्रॉपरली नहीं दिखता है, तो वो जो छोटा सा डोर है उसमें से एक टॉय बाहर निकलेगा, और वो जो टॉय है वो फिर जैसे ही 4 हो जाते हैं 4 o'clock तो 4 बज बेल को रिंग। चलो देखते हैं, अभी वेट कर रहे हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स, अभी वो टॉय बाहर आ चुका है, तो जो टॉय है अभी जो टॉय है वैसे ही खड़े रहेंगे। तो फ्रेंड्स, इट इज गोइंग टू बी 4, जैसे ही 4 बज जाएंगे तो आप देख सकते हैं 4 o'clock हो गए करेक्ट।
आई एम बिद्री आर्टिजन एस के हमजा माई नेम इज हियर दिस इज माई फैमिली वर्क दिस इज एक्चुअल दिस इज अ हिस्ट्री ऑफ 600 ईयर्स दिस इज माई फैमिली वर्क आई एम आर्टिजन और इनकी जो फैमिली का आर्ट है वो यहाँ पे इन्होंने सेल करने के लिए रखा हुआ है बहुत ही सुंदर है सब कुछ आप देख सकते हो इस टाइप से तो आप ये जो शॉप है ये सालारजंग म्यूजियम के पास ही है जहाँ पे टिकट काउंटर मैंने दिखाया था